हिमाचल प्रदेश के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गांव दैन में ऐसा चीड़ का पेड़ मौजूद है जहां लोगों की मान्यता है कि इस चीड़ के पेड़ पर डोरी बांधने से शरीर पर बने मस्सों की बीमारी से निजात मिलती है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो यहां पर इस रोग से पीड़ित सैकड़ों लोग अपने मस्सों से निजात पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्थानीय बुजुर्ग लखवीर चंद पटियाल की माने तो इस पेड़ का इतिहास पांडव काल से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि ये पेड़ हमेशा से हरा ही रहा है। उन्होंने बताया कि एक दंत कथा के अनुसार जब किसी ने इस पेड़ को काटने का प्रयास किया तो इस पेड़ से खून की धारा भी बही थी। उसके बाद इस पेड़ को किसी ने नहीं काटा। इस पेड़ के नीचे सबसे हैरान करने वाली बात है कि जमीन पर भी मस्से बने हुए हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति को मस्से होते हैं तो वह उन मस्सों से थोड़ा सा खून चढ़ाकर जमीन पर बने मस्सों पर लगाता है। उसके बाद चीड़ के पेड़ पर डोरी बांधी जाती है और नमक चढ़ाने की अरदास भी की जाती है, जिसके बाद इंसान के मस्से ठीक हो जाते हैं। ये बहुत पुरानी चील है, ये कभी सूखती नहीं है। और यहाँ पर जो छप्पर है उस पर मस्से की निशानियाँ लगी हुई हैं और उनके मस्से का खून लगा निकाल कर उसमें लगाया जाता है और इस चील को डोरी बांधी जाती है और मत्था टेका जाता है कि जब मेरे मस्से ख़त्म हो जाएंगे तो हम आपको लून का पैकेट चढ़ाएंगे और ये मस्से लून की तरह ही खत्म हो जाने चाहिए। तो क्या इस तरह से लोगों के काफी ठीक हुए? हाँ, बहुत ठीक होते हैं, बड़ी जनता आती है। ग्रामीणों ने बताया कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने मस्सों से निजात पाते हैं। स्थानीय निवासी अन्नू कुमार ने बताया कि उनके हाथों में भी काफी मस्से बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर इन मस्सों से निजात मिली है। उसकी ये मान्यता है कि आपको कोई मस्सा वगैरह हो तो आप उसको यहाँ चढ़ा के जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा मस्सा। तो क्या आप अपने बारे में बता रहे थे कि तो हाँ, आपको मेरे को भी हुआ था, उंगली में हुए थे यहाँ मस्से, तो वो मैंने यहाँ चढ़ाया था। उसका थोड़ा खून लगाना पड़ता है मस्से का ना, फिर चढ़ाने के बाद जो है महीने डेढ़ महीने बाद वो ख़त्म हो गया था, चला गया था, अब जो है ठीक है। वहीं स्थानीय निवासी मीना कुमारी का कहना है कि यहां पर काफी संख्या में लोग मस्सों से निजात पाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगने के बाद दोबारा इस पेड़ की तरफ नहीं देखना होता, क्योंकि पीछे हटकर देखने से अशुभ माना जाता है। मस्से होते हैं जिनको ना, उनको मानने के लिए उस चील के पास आते हैं मानने के लिए और उनके मस्से चले जाते हैं। कैसे कैसे माना जाता है इसको? इसको ऐसे कि नमक लाते हैं और घर से क्या बोलते हैं इसको, आटा और हल्दी इसको लगाते हैं यहाँ पे, बटन लगाते हैं, फिर और जो मस्से होते हैं उनको काटते हैं थोड़ा सा और इस जो ये पत्थर है मस्सों का इसके ऊपर घसते हैं, फिर उसके घिसने के बाद वो मस्से चले जाते हैं। पर ऐसा करते हैं कि बाद में जैसे उसको चढ़ाई देते हैं ना, तो उसके बाद पीछे मुड़कर देखते नहीं, अगर देखे तो फिर हानि होती है। अगर